हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट कोर्सेज ऑफ फॉरेंसिक साइंस NGH रायसोन यूनिवर्सिटी, जो कि AIFSET की पार्टनर यूनिवर्सिटी भी है। मैंने AIFSET की ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन की हुई है। जब आप पार्टनर यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे GH रायसोन यूनिवर्सिटी अमरावती महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। सो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? GH रायसोन यूनिवर्सिटी। कहाँ सिचुएटेड है? अमरावती महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैंने दूसरे टैब में ओपन करके रखी है। ओके, अभी इंट्रोडक्शन हो रहा है यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो जो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज या ऑफ कोर्स ऑफर करती होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड ही वीडियोस नहीं चल रही हैं वेबसाइट पे। सो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, स्पेसिफिकली फॉरेंसिक साइंस में क्या क्या अवेलेबल है। ये तो 100% श्योर है कि फॉरेंसिक के कोर्सेज हैं, क्योंकि ये पार्टनर यूनिवर्सिटी है IFSET के साथ, ठीक है। बट देखना ये है कि BSc फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है या नहीं है, MSc फॉरेंसिक साइंस है या नहीं है, PhD डिप्लोमास या सारा कुछ अवेलेबल है। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको ऐसी ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। बैकग्राउंड में एक वीडियो चल रही होगी अबाउट यूनिवर्सिटी। जैसे आप अबाउट पे क्लिक करोगे, आपको इस यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी अबाउट GHRU। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज, रिकॉग्निशन, एक्रेडिएशन की आपको अगर आपको देखना है रिकॉग्निशन एक्रेडिएशन, तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा किन किन यूनिवर्सिटीज का कौन कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ MOUs हैं, ये भी आप देख सकते हो। प्रोग्राम्स पे अगर हम क्लिक करते हैं या फिर प्रोग्राम्स पे हम कर्सर लेके जाते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि GHRU में ऑफर्ड है, वो हमको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जैसे कि प्रोग्राम ऑफर्ड एट GHRU, ओके, दो दो प्लेस पे यूनिवर्सिटी है, एक अमरावती में है, एक साईखेड़ा में है, ठीक है। तो दोनों कैंपसेस की इंफॉर्मेशन है। डिप्लोमा प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, रिसर्च प्रोग्राम्स एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज दोनों ही कैंपसेस में अवेलेबल है। देखेंगे कि कौन कौन से स्कूल्स अवेलेबल हैं दोनों ही कैंपसेस में, साईखेड़ा और अमरावती। सबसे पहले देखेंगे GHRU साईखेड़ा। तो यहाँ पे है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल कोर्सेज, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ लॉ एंड स्कूल ऑफ लाइब्रेरी आज। अगर हम अमरावती की कैंपस की बात करें, तो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ फार्मेसी, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंसेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, स्कूल ऑफ लॉ एंड स्कूल ऑफ मेडिकल स्टडीज। तो एक एक करके देखेंगे स्कूल ऑफ साइंस साईखेड़ा कैंपस में कौन कौन से साइंस के कोर्सेज अवेलेबल है। फॉरेंसिक साइंस अगर है तो यहाँ पे मेंशन ज़रूर होगा। ओके, ऑफ कोर्स, यस, यहाँ पे सबसे पहले आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स में BSc फॉरेंसिक साइंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा BSc CBZ केमिस्ट्री, बायो एंड जूलॉजी, BSc स्टैटिस्टिक्स, BSc IT, BSc IT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT डाटा साइंस, BSc एनिमेशन इन 2D एंड 3D, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोकेमिस्ट्री। तो ये थे कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, ठीक है, बायो कह रही थी मैं गलती से। नेक्स्ट वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस। सो PG है MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc रिमोट सेंसिंग, MSc बॉटनी, जूलॉजी, फाइनेंस, एनवायरमेंटल साइंस, वेस्ट मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस में मास्टर्स अवेलेबल नहीं है। रिसर्च प्रोग्राम्स देखें तो PhD फिजिक्स अवेलेबल है, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा और साइंस के सब्जेक्ट में PhD या रिसर्च के काम अवेलेबल नहीं है। तो आपके साईखेड़ा वाले कैंपस में BSc फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है। रीड और कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि फुल टाइम ये कोर्स है, एफिलिएटेड है UGC से, 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है एट GHRU साईखेड़ा। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ फॉरेंसिक से रिलेटेड है। कोर्स का स्ट्रक्चर देख लो कि कैसे रहने वाला है। 1 साल में 2 सेमेस्टर होने वाले हैं, यूजुअली जिस तरीके से होते हैं। 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स आपका रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या होगी? ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास देयर 12th हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम, वो क्वालिफाई अगर उसे कर गए हैं, देन यू आर एलिजिबल। मिनिमम 50% आपके होने चाहिए इन 12th फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। लर्निंग्स की इन्फॉर्मेशन है, प्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन है, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है।
एंड देन वी हैव करियर, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, फ़ी की इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो एडमिशन प्रोसेस देख लो एक बार, यूनिवर्सिटी विल पब्लिश एडमिशन नोटिफिकेशन इन पेपर्स इन द यूनिवर्सिटी साइड. तो आप AIFSET एग्ज़ाम दे के भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि GHRU में पढ़ना है, साईखेड़ा कैंपस में या फिर अमरावती कैंपस में, तो डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं. यही एडमिशन प्रोसीजर रहेगा. ये अपने भी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं एट रिक्वायर्ड टाइम. इसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा एंड इसके बाद फिर क्या कर सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हो. ओके, सो ऐसा ही सिंपल है. आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लो व्हाट इज़ दी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ठीक है, फर्दर स्टडीज़ आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है दैट इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बन सकते हो, लीगल काउंसलर बन सकते हो, फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हो, फोरेंसिक साइंटिस्ट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर, टीचर, प्रोफेसर, क्राइम रिपोर्टर एक्सेट्रा. ओके, सो फी स्ट्रक्चर हम डिफरेंट प्लेस पे सर्च करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है. वापस से चलते हैं हम हमारी प्रीवियस वेबसाइट पे. हम अब यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पे. ठीक है, ताकि हम इस यूनिवर्सिटी के होम पेज पे पहुंच जाएं. ओके, नाउ वी हैव, अच्छा आई गेस हम डायरेक्ट हो गए हैं साईखेड़ा कैंपस पे. तो हम बैक करेंगे एंड देन वी गो बैक. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे स्कूल्स ऑफ GHRU अमरावती स्कूल ऑफ साइंसेज पे क्लिक करते हैं. न्यू टैब ओपन होगी एंड यहाँ पे भी आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिल रही है. यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कौन कौन से हैं, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc फोरेंसिक साइंस, BSc फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, पोस्ट ग्रेजुएशन में MCA MSc केमिस्ट्री अवेलेबल है. ओके, तो आई गेस अमरावती का कैंपस छोटा है एज़ कम्पेयर टू साईखेड़ा, क्योंकि बहुत ही कम प्रोग्राम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं. BSc फोरेंसिक साइंस के इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. MSc तो शायद अवेलेबल नहीं है यहाँ पे भी. सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, एवरीथिंग इज सेम. ओके, सो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं. सो एडमिशन के लिए हम देख लेते हैं एडमिशन प्रोसेस. RGI स्कॉलरशिप, ऑनलाइन पेमेंट, एजुकेशन लोन, इंटरनेशनल एडमिशन्स. ओके, फ़ी स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं. फ़ी स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं. इट्स अ PDF, तो आई गेस ये डाउनलोड होगी जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे. सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर. जूम कर लेते हैं. स्कूल ऑफ साइंसेस की कैटेगरी में होगा बट यहाँ पे मुझे मिल तो नहीं रहा है. स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ साइंसेस, ठीक है. सो BSc फोरेंसिक साइंस 3 ईयर्स का जो कोर्स है, यहाँ पे कोर्स फ़ी कितनी है, फाइनल फ़ी 23-24 के लिए इट्स 86,600. ओके, OBC को 86,600 ही है. एवरी स्टूडेंट हैव द सेम फी 86,600 रुपीज़ की. ओके, तो ये आपकी क्या है, फ़ी है. येस, सो दिस इज द फी. दैट्स इट. यहाँ पे MSc फोरेंसिक साइंस लिखा तो हुआ है बट मुझे MSc फोरेंसिक साइंस की इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं उधर देखने को मिली. सो मे बी MSc फोरेंसिक साइंस प्रेजेंट है. तो MSc फोरेंसिक साइंस अगर है तो एलिजिबिलिटी यूजुअली सेम होती है. आपने किसी भी साइंस के फील्ड से अगर BSc किया हुआ है, इंक्लूडिंग BSc फोरेंसिक साइंस या BSc जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, अगर आपने BSc की है तो आप MSc फोरेंसिक साइंस के लिए एलिजिबल हो. और फ़ी कितनी है, फ़ी इज़ 61,000 रुपीज़. ओके, मैं थोड़ा सा मैंने पॉज इस वजह से लिया क्योंकि मैं चेक कर रही थी कि BSc की फ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू MSc. 61,000 रुपीज़. ओके, डिफरेंट कैंपस की तो डिफरेंट नहीं होगी. किसी अमरावती कैंपस, हाँ इसमें तो अमरावती कैंपस से लिखा है बट सिमिलर ही होगी या फिर इसी के अराउंड होगी.
अगर हॉस्टल फी की हम बात करें, हॉस्टल भी अवेलेबल है नागपुर में भी, हॉस्टल अवेलेबल है शारदा पार्क, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, पुणे हॉस्टल, जलगांव हॉस्टल, अमरावती हॉस्टल, साइखड़ हॉस्टल, ये से सारे आसपास ही हैं। मिनिमम बुकिंग अमाउंट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है पर ईयर कितनी फीस है, ये भी दी हुई है आपको यहाँ पे। फर्स्ट इज़ 1,50,000 रुपीज़। यूजुअली इन सभी का जो पुणे हॉस्टल है, गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल, शारदा पार्क में, सब में 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर। मतलब इसको आपको 50-50 करके देना पड़ेगा, साल भर का इतना पैसा आपको देना है। मिनिमम बुकिंग चार्जेस यहाँ पे ऑलरेडी, मिनिमम अमाउंट ऑफ बुकिंग यहाँ पे दिया हुआ है। एंड देन फर्दर वी हैव जलगांव हॉस्टल 85,000 रुपीज़, अमरावती हॉस्टल 90,000 रुपीज़, और साइकेड हॉस्टल 90,000 रुपीज़। आप 55,000 रुपीज़ दे के भी बुक कर सकते हो। दैट इज़ अबाउट द फी स्ट्रक्चर गाइज। यही मुझे समझ में आया विद द गिवन PDF। ठीक है यूश, ये है 23-24 का प्रपोज्ड फी स्ट्रक्चर। ओके फाइन, सो इस फी स्ट्रक्चर से इट्स क्लियर दैट MSc भी अवेलेबल है, MSc फॉरेंसिक साइंस है यहाँ पे, पर यहाँ पे नहीं देखने को मिला मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में, दोनों ही कैंपस में। एक बार कंफर्म कर लेना है आपको। इसके अलावा व्हाट एल्स वी हैव, स्कॉलरशिप, ओके मेन कैंपस मेन वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है। स्कूल्स, प्रोग्राम्स, स्कूल्स के बाद ही गए थे ये सब स्कूल्स में। वेट अ मिनट, प्रोग्राम्स, स्कूल्स, एडमिशन, एडमिशन प्रोसीजर, एजुकेशन लोन, इंटरनेशनल एडमिशन, ओके तो कैंपस लाइफ है, हॉस्टल है, अदर एमिनिटीज लाइक हॉस्पिटल, इवेंट्स होते हैं, लैब भी है, लाइब्रेरी भी है, स्टूडेंट क्लब्स भी है, ई लर्निंग, स्पोर्ट्स, सब कुछ है। ओके आई ट्राई टू फाइंड दी स्कॉलरशिप वाला। हाँ RGI स्कॉलरशिप। ओके फॉर ऑल दी UG कोर्सेज, जितने भी UG कोर्स है एक्सेप्ट जलगांव कैंपस। अच्छा जलगांव में भी कैंपस है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में कैंपस आई गेस, एक बार कंफर्म कर लो। सो इट्स लाइक 85% में 85% मार्क्स अगर आपके आते हैं, तो एग्रीगेट स्कोर अगर आपका 85-89 के बीच है, तो 5% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। देन 90 से 94%, 10%, या फिर 95% से अबव है तो 15%। जितने भी UG कोर्सेस है अगर आप उसमें 80 से 84 स्कोर करते हो, सिमिलरली 5%, 10% और 15% की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंट कोर्सेज की स्कॉलरशिप भी काइंड ऑफ सिमिलर टाइप्स ही हैं, जस्ट गो थ्रू इट। मैंने फॉरेंसिक साइंस के बारे में भी बता दिया है कि फॉरेंसिक साइंस इसी ही कैटेगरी में फॉल करता है। यहाँ पे देखो ऑल UG कोर्सेज BSc, BSc IT, फायर फॉरेंसिक फॉर एंड फॉर ऑल दी अदर BSc कोर्सेज एक्सेप्ट जालगांव कैंपस। जालगांव कैंपस में अवेलेबल नहीं है प्रोबेबली। ओके तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कॉलरशिप, एंड हमने फ़ी स्ट्रक्चर देख लिया, ट्यूशन फ़ी देख ली, हॉस्टल फ़ी देख ली, डिफरेंट कैंपस देख लिए, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं ये हमने देख लिए। सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन। ये थी इन्फॉर्मेशन ऑफ GHRU, जो कि महाराष्ट्र के डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट कैंपसेस के तौर पे सिचुएटेड है। अगर आपने प्लान करा है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप आपकी जो एजुकेशन जर्नी हो बहुत ही अमेजिंग हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इन्फॉर्मेशन एंड यूनिवर्सिटी जो कि हम कवर कर रहे हैं वन बाय वन। हम सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो AIFSCT की पार्टनर है हम कवर कर रहे हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, अगर आपने वो प्लेलिस्ट अभी तक नहीं
नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, या फिर आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। अगर आप किसी भी तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, UGC, NET, डिफरेंट एग्जाम्स रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें फोरेंसिक साइंस एडेड है, या फिर फोरेंसिक साइंस में आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अवर एप्लीकेशन इज देयर, एप्लीकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी। हर तरीके की कोचिंग क्लासेस वी प्रोवाइड एंड हर तरीके का मटेरियल रिलेटेड टू फोरेंसिक्स हम प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू गाइज वॉन्ट एनी नोट्स, कोर्सेज, क्लासेज एक्सेट्रा, इट्स अवेलेबल इन आर एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस अगेन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।